तो दोस्तों दोस्तों आज का जो टॉपिक है बहुत ही इंटरेस्टिंग है। इसको आप स्किप मत करिएगा, इसको आप कंटिन्यू देखिएगा, तभी आपको ये टॉपिक समझ में आएगा। आज का जो टॉपिक है वेस्ट वाटर में जो नाइट्रोजन के जो पॉल्यूटेंट होते हैं इसको कैसे रिमूव किया जाए, इसके प्रोसेस स्टेप क्या होते हैं। दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर नए हों तो हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को बजाना ना भूलिए। आज का जो टॉपिक है इसमें हम लोग जानेंगे कि वेस्ट वाटर में नाइट्रोजन के जो पॉल्यूटेंट होते हैं इसको कैसे रिमूव किया जाए। इसको जानने से पहले हम लोग ये जानेंगे कि इसके सोर्स क्या होते हैं, कि वेस्ट वाटर में नाइट्रोजन के पॉल्यूटेंट आते कहाँ से। इसमें सबसे ज़्यादा नाइट्रोजीनियस इंडस्ट्री जो होती हैं उनसे नाइट्रोजन पॉल्यूटेंट वेस्ट वाटर निकलते हैं, जैसे कि फार्मा हो गया, फर्टिलाइजर हो गया, पेस्टिसाइड हो गया, और भी ऐसे बहुत सारी इंडस्ट्री हैं जिससे नाइट्रोजन वेस्ट बहुत ज़्यादा निकलते हैं। और छोटे मात्रा में देखा जाए फूड इंडस्ट्री से, और डोमेस्टिक पर्पज़ पे देखा जाए तो घरेलू वेस्ट जो निकलते हैं वो डिकम्पोज होते हैं तो उससे नाइट्रोजन वेस्ट जनरेट होता है। वेस्ट वाटर में अगर नाइट्रोजन कंपोनेंट की अवेलेबिलिटी को देखा जाए तो ये कई फॉर्म में पाए जाते हैं, जिसमें से अमोनिया, अमोनियम आयन, नाइट्राइट, नाइट्रेट और ऑर्गेनिक नाइट्रोजन के रूप में अवेलेबल होते हैं। दोस्तों इसमें एक टर्म है टोटल नाइट्रोजन, टोटल जे डाउन नाइट्रोजन, टोटल इनऑर्गेनिक नाइट्रोजन, इनको समझ लेते हैं। टोटल नाइट्रोजन में अमोनिया नाइट्रोजन, नाइट्राइट नाइट्रोजन, नाइट्रेट नाइट्रोजन, ऑर्गेनिक नाइट्रोजन आते हैं। टोटल जेटॉल नाइट्रोजन में अमोनिया नाइट्रोजन और ऑर्गेनिक नाइट्रोजन आते हैं। टोटल इनऑर्गेनिक नाइट्रोजन में अमोनिया नाइट्रोजन, नाइट्राइट और नाइट्रेट नाइट्रोजन आते हैं। अब हम लोग ये जानेंगे कि वेस्ट वाटर में नाइट्रोजन के पॉल्यूटेंट को कैसे रिमूव किया जाता है, इसके प्रोसेस क्या है। नाइट्रोजन पॉल्यूटेंट को रिमूव करने के लिए दो प्रोसेस हैं। पहला प्रोसेस है नाइट्रिफिकेशन, दूसरा प्रोसेस है डीनाइट्रिफिकेशन, जो बायोलॉजिकल ट्रीट किए जाते हैं। अब समझते हैं कि नाइट्रिफिकेशन क्या होता है। नाइट्रिफिकेशन वह प्रोसेस है जिसमें अमोनिया को नाइट्राइट में और फिर नाइट्राइट को नाइट्रेट में माइक्रो ऑर्गेनिज्म या बैक्टीरिया के द्वारा कन्वर्ट किया जाता है। नाइट्रिफिकेशन प्रोसेस दो स्टेप में होते हैं। जो पहला स्टेप है अमोनिया से नाइट्राइट में कन्वर्जन का, ये जो प्रोसेस है ऑक्सीडेशन प्रोसेस है। इसमें अमोनिया का ऑक्सीडेशन होता है। इसके लिए कुछ रिस्पॉन्सिबल बैक्टीरिया होते हैं जिसमें से नाइट्रोसोमोनस, नाइट्रोकोकस, नाइट्रोस्पीरिया। और जो सेकेंड स्टेप होता है नाइट्राइट से नाइट्रेट में कन्वर्जन का, वो भी ऑक्सीडेशन प्रोसेस है। इसके लिए जो रिस्पॉन्सिबल बैक्टीरिया होती है उसको बोलते हैं नाइट्रोबैक्टर। इन दोनों प्रोसेस स्टेप को और कंक्लूड किया जाए तो इसमें अमोनिया का नाइट्रेट में कन्वर्जन होता है, इस प्रोसेस को ही नाइट्रिफिकेशन प्रोसेस कहते हैं। नाइट्रिफिकेशन प्रोसेस जो होती है एरिएशन टैंक में होती है। इसमें जो भी वेस्ट वाटर आता है जिसमें नाइट्रोजन के पॉल्यूटेंट हैं तो वो एरिएशन टैंक के अंदर जाता है। उसमें एरिएशन टैंक में पहले से माइक्रो ऑर्गेनिज्म अवेलेबल होते हैं जिसको बायोमास या बैक्टीरिया बोला जाता है। इस ये क्या करते हैं, जो वेस्ट वाटर में जो नाइट्रोजन के पॉल्यूटेंट है उनका ऑक्सीडेशन करते हैं, ऑक्सीडेशन करके इसको नाइट्राइट में कन्वर्ट करते हैं, फिर इनका ऑक्सीडेशन होता है, फिर ये नाइट्रेट में कन्वर्ट कर देते हैं। ये जो प्रोसेस होती है पूरी नाइट्रिफिकेशन प्रोसेस होती है जो एरिएशन टैंक के अंदर होती है। दोस्तों अब समझते हैं कि डीनाइट्रिफिकेशन प्रोसेस क्या होती है। तो नाइट्रेट से नाइट्रोजन गैस में जो कन्वर्जन की जो प्रोसेस होती है इस प्रोसेस को ही डीनाइट्रिफिकेशन प्रोसेस करते हैं। इस प्रोसेस के लिए भी कुछ रिस्पॉन्सिबल बैक्टीरिया होती हैं जिसमें से बैसिलस, पैरास्कोकस और प्यूसिडोमोनस। अब देखते हैं कि ये प्रोसेस होता कहाँ है। तो ये प्रोसेस इनॉक्सिक जोन में होता है, जो एरिएशन टैंक के बाद सेकेंडरी सेटलिंग टैंक है वो इनॉक्सिक जोन की तरफ वर्क करती है। इसमें होता क्या है, जो भी बायोडिग्रेडेबल ऑर्गेनिक मटेरियल होता है उसको बैक्टीरिया कंज्यूम करती है, लेकिन बैक्टीरिया को सर्वाइव करने के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है जो कि इनॉक्सिक जोन में नहीं होता है। तो बैक्टीरिया जो होती हैं वो नाइट्रेट में अवेलेबल ऑक्सीजन को कंज्यूम करती हैं। तो इस पूरे प्रोसेस में जो रिएक्शन होती है उसको मैं बताता हूँ कि बायोडिग्रेडेबल जो ऑर्गेनिक मटेरियल है और नाइट्रेट के साथ रिएक्ट करते हैं, और इसमें जो कंज्यूम क्या करती है, जो बैक्टीरिया होती है इनको कन्वर्ट करती है नाइट्रोजन गैस, OH आयंस और एनर्जी। दोस्तों अब ये समझ लेते हैं कि डिफरेंस बिटवीन नाइट्रिफिकेशन एंड डीनाइट्रिफिकेशन प्रोसेस। तो नाइट्रिफिकेशन प्रोसेस में जो अमोनिया या अमोनियम आयन को नाइट्रेट में
कन्वर्ट किया जाता है जो कि बायोलॉजिकल या केमिकल प्रोसेस से किया जा सकता है। जो डीनाइट्रिफिकेशन प्रोसेस में होता है वो उसमें जो नाइट्रेट होता है नाइट्रेट को नाइट्रोजन गैस में कन्वर्ट किया जाता है, ये भी बायोलॉजिकल या केमिकल प्रोसेस हो सकता है। नाइट्रिफिकेशन प्रोसेस स्टार्ट होता है अमोनिया या अमोनियम आयन से और इसका जो एंड प्रोडक्ट है वो है नाइट्रेट। चूँकि जो डीनाइट्रिफिकेशन प्रोसेस है वो जो स्टार्ट होता है वो नाइट्रेट से होता है और इसका जो एंड प्रोडक्ट है वो है नाइट्रोजन गैस। इसके बाद नाइट्रिफिकेशन प्रोसेस के लिए नाइट्रिफाइंग बैक्टीरिया रिस्पॉन्सिबल होती हैं, जिसमें नाइट्रोसोमोनस नाइट्रोबैक्टर होते हैं, और डीनाइट्रिफिकेशन प्रोसेस के लिए डीनाइट्रिफाइंग बैक्टीरिया रिस्पॉन्सिबल होती हैं, जिसमें थायोबैसिकुलस प्यूसिडोमोनस। दोस्तों अब हम लोग ये जानेंगे कि वेस्ट वाटर में जो नाइट्रोजन के जो पॉलुटेंट होते हैं उसको रिमूव क्यों किया जाता है, इसके पीछे कारण क्या है। तो दोस्तों ये जानना बहुत ज़रूरी है कि जो वेस्ट वाटर में जो नाइट्रोजन के जो पॉलुटेंट होते हैं जो अमोनिया फॉर्म में होते हैं या अमोनियम फॉर्म में होते हैं वो बहुत ही टॉक्सिक होते हैं। अगर नाइट्रोजन पॉलुटेंट को बिना रिमूव किए अगर जिसको डिस्चार्ज कर दिया जाए जैसे तालाबों में समुद्र में, तो इसमें जो रहने वाले जो भी मछली हैं या जीव जंतु हैं वो इसमें सर्वाइव नहीं कर पाएंगे और मर जाएंगे, क्योंकि ये हाईली टॉक्सिक होता है। इसका जो इफ़ेक्ट है वो ह्यूमंस के ऊपर भी पड़ता है, इससे बहुत ही घातक बीमारियाँ होती हैं जैसे कि मधुमेह है, कैंसर है और भी जो बीमारियों को ये जनक का कारण होता है। वेस्ट वाटर में नाइट्रोजन को रिमूव करना विश्व में एक चिंता का विषय है, क्योंकि ये प्राकृतिक जल में यूट्रिफिकेशन का कारण बनते हैं। दोस्तों आज का जो टॉपिक था कि वेस्ट वाटर में नाइट्रोजन के पॉलुटेंट को कैसे रिमूव किया जाए वो आपको मैंने बता दिया, इसके जो प्रोसेस के स्टेप हैं उनमें डिफरेंस बता दिया, और जिसको ट्रीट ना किया जाए तो इससे नुकसान क्या है भी बता दिया। दोस्तों अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो आप हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद दोस्तों।